एवरीवंस, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी चीजी रामेन। यस, ये है नई रामेन। सो लेट्स मेक इट। डाल देंगे अपने रामेन को इसके अंदर और लेट्स वेट। रामेन जो है वो उबल चुकी है। नाउ लेट्स प्रिपेयर द सॉस चीजी। सो रख लिया है मैंने पैन और पैन में डालेंगे हम मिल्क। पैन में मिल्क डालने के बाद इसको थोड़ा गर्म होने देंगे और हम डाल लेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। मैं इसके अंदर दो तरीके की चीज डाल रही हूँ, एक जो है वो है स्लाइस वाली और एक जो है वो है जो कि क्यूब वाली। So let's put it. ये जब गर्म होता रहेगा तो ये पकता भी रहेगा, सो आई मीन टू से पिघल जाएगा, पिघल जाएगी चीज। और ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। एंड लिटिल बिट नहीं, मतलब पूरा का पूरा ओरिगैनो। तभी तो सॉस क्रीमी चीजी और मजेदार बनेगी। लेंगे थोड़ा सा बड़ा वाला चम्मच जिसकी मदद से हम इसको करेंगे बनाएंगे। और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल लेते हैं, लाइक अ लिटिल बिट, नॉट भर के। तो डाल लेंगे हल्की सी मिर्च, यस, लाइक ओनली दिस मच। एंड लेट्स मेक इट। जो स्लाइस वाली चीज है वो तो एकदम पिघल चुकी है, ये वाली थोड़ी सी पिघल रही है। लोग इसके अंदर मैदा भी डालते हैं बट वी आर नॉट। सो देख रहे हो कैसे क्रीमी क्रीमी सा हो गया सब कुछ मामला। अब आ गया वक्त डालने का रामेन को, क्योंकि ये पिघल चुका है। और Can you see it? खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मैं डालूंगी इसमें रामेन। So let's do it. ये डाल दिया हमने अपनी रामेन। अब इसको थोड़ी देर इसमें पकने देंगे ताकि ये जो मसाला है इस पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाए। गैस को कर लेंगे थोड़ा सा तेज और इसे पकने देंगे। और अगर मसालों की कमी है तो हम इसमें और ओरिगैनो और मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा स्टॉक वाटर भी डाल सकते हैं ताकि और क्रीमी सी हो जाए। अब देखिए इसको कितनी मजेदार लग रही है ये, और मुंह में जाने पे तो ये और मजेदार हो जाएगी। और जिस हिसाब का मौसम हो रहा है तो ऑफ कोर्स यू नो अमेजिंग मौसम हो रहा है।
इतने टाइम बाद। सो लेट्स, ये हो गई है बनके तैयार। अब इसे हम डाल लेते हैं अपने मन चाहे बाउल में। नाउ अब टेस्ट की बारी, लेट्स टेस्ट इट। कैन यू सी इट? नाउ हैव अ बाइट। बहुत ही यमी है और बहुत ही चीजी है और बहुत ही ऑसम है। इट्स लाइक हेवन। You want to eat? Have some. Okay, I'm gonna enjoy it. आप अपनी बनाइए और enjoy करिए।